दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक TPA 31 116 का स्टीरियो एम्पलीफायर है। 100+100 वॉट का है, उसमें ब्लूटूथ आदि सब कुछ दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ऑक्सिलेटी इन है, DC 24 12 से 24 वॉट तक आप देख सकते हैं, और बहुत छोटा बनाया हुआ है। एग्जैक्टली पता नहीं उसमें ब्लूटूथ है या नहीं, मेरे अंदाज से देखना पड़ेगा उसके डिस्क्रिप्शन में है या नहीं। कोई ज़रूरत नहीं ब्लूटूथ की मुझे तो। ऑक्सिलेटरी तो उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें USB का नहीं दिया हुआ। ये 100+100 वॉट तक का ये आपको पावर देता है, और इस तरह के ये पूरा बनाया हुआ है। उसमें बटन में ही ऑन ऑफ दिया हुआ है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है चालू बंद करने में। बटन से ही आप चालू बंद उसको कर सकते हैं, ऐसे खोल कर बंद कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका ये पड़ा हुआ है बोर्ड, आप देख रहे हैं, बस वही बोर्ड है। ये भी 100+100 वॉट वाला है, और ये भी 100+100 वॉट वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ज़रा अच्छी तरह से उसको बनाया है। इतना फ़र्क है, तो साउंड में भी फ़र्क तो आने वाला है। ये अगर मिलता है तो आप ले सकते हैं, सेम थिंग ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी उसका साउंड टेस्ट करके भी आपको सुना देता हूँ। तो अभी मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, तो अभी मैं उसका साउंड ऑन करता हूँ। अभी बेस डबल दोनों बंद है। अभी ट्रबल खोल रहा हूँ, डबल खोल दिया। फिर बेस खोलता हूं, तो यही वीडियो था। अभी तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, सारे डी टाइप के एम्पलीफायर के ही वीडियो है, क्योंकि वो जो
मॉसफेट वाले वीडियो सारे मैंने बना लिए, अभी ये बाकी थे तो मैं ये बना रहा हूँ। तो ये सारे वीडियो दोस्तों अभी आएंगे। दोस्तों ये दिखा है, सारे के वीडियो मैंने बना दिए हैं, ये लास्ट वाला वीडियो है दोस्तों, उसके बाद और बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। और दोस्तों ये सारे चीज़ें मैंने बहुत टाइम पहले खरीदी हुई है, कोई नई नहीं है उसके अंदर, बहुत टाइम पहले खरीदी हुई है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो सरकार ने सारा बैन लगा दिया है खरीदने पर, और जब Banggood.com चालू था और अली एक्सप्रेस चालू था तभी मैंने ये सारी चीज़ें खरीद ली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।